हेलो फ्रेंड्स, संपूर्ण इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। दिस इज दी 30th वीडियो ऑन द सॉलिड एज ट्रेनिंग। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लॉप्ड कमांड। सो फ्रेंड्स, लॉप्ड कमांड की मदद से हम यहाँ पे दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि बॉटम वाला इस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है और टॉप में इस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। तो चलिए देखते हैं कि लॉप्ड कमांड की मदद से किस तरह से दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के ऑब्जेक्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, लॉप्ड कमांड आपको इस होम टैब में सॉलिड ग्रुप के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज द लॉप्ड कमांड। अब यहाँ पे इस लॉप्ड कमांड की मदद से हम दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले मैं लूँगा रेक्टेंगल कमांड और उसके बाद यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करूँगा एक्स वाई, और यहाँ पे मैं 40x40 mm का एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे इसको हम एक्सट्रूड कमांड की मदद से 10 mm से एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड मैं लूँगा और ये रीजन को सिलेक्ट करूँगा, एंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पे 10 mm से इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। अब उसके बाद मैं जाऊंगा इस कोइंसिडेंट प्लेन के ऊपर और ये प्लेन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये जो टॉप सरफेस है इसके ऊपर एक कोइंसिडेंट प्लेन लूँगा। अब इस कोइंसिडेंट प्लेन को हम 30 mm से ऊपर उठाएंगे। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा इस एरो के ऊपर और माउस को ऊपर की तरफ मैं ड्रैग करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 30 mm और एंटर की प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे 30 mm ऊपर पे इस सरफेस से हमने ये प्लेन 7 लिया है, कोइंसिडेंट प्लेन। अब उसके बाद मैं लूँगा सर्कल कमांड और ये जो प्लेन 7 है इसको हम लॉक करेंगे। अब इसके बाद ये जो क्विक व्यू बॉक्स है इसके टॉप के ऊपर हम क्लिक करके ये टॉप व्यू यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर के सेंटर में हम 30 mm का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 30 मैं टाइप करूँगा और एंटर की प्रेस करूँगा तो 30 mm का ये सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। अब उसके बाद फिर से मैं ये होम की प्रेस करके आइसोमेट्रिक व्यू जो है यहाँ पे इनेबल करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारे अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर और सर्कल, ये हमने यहाँ पे बनाया है। अब इनको हमें ज्वाइन करना है। तो मैं जाऊँगा अब लॉफ्ट कमांड में और यहाँ पे जाके ये जो टॉप सरफेस है इसके एजेस जो है ये पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, चारों एजेस हमें सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद ये जो सर्कल है इसके एजेस भी हमें सिलेक्ट करने हैं। तो ये सभी एजेस जिन्हें हमें ज्वाइन करना है ये हमने सिलेक्ट किए हैं। अब उसके बाद मैं प्रेस करूँगा इस प्रीव्यू की के ऊपर। तो जैसे ही मैं प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लॉफ्ट फीचर यहाँ पे बन जाएगा और स्क्वायर सेक्शन और सर्कल सेक्शन के बीच में जोड़ने वाला ये सॉलिड सरफेस यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एस्केप की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये प्लेन 7 को मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे, इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड द लॉफ्ट फीचर विच इज यूज्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस।
So friends, if you like this video, please click on like button. Don't forget to share this video with your friends. And for getting more videos on Solid Edge, please subscribe our channel and click on bell icon. Thank you.